हमने सुनने का काम किया। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं देखकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए समस्या ही समस्या है पूरे पश्चिमी चंपारण में, पूरे पश्चिमी चंपारण में, लोकसभा में, हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में समस्या है। आज तक कहीं कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि ना शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ है, ना बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ है, ना सड़क है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, ना अच्छे अच्छे स्कूल है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, कागजों पे सिर्फ यहाँ का फाइल दौड़ता है और कुछ काम धरातल पे नहीं दिखाई। तो आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इनके लिए आप किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए अगर हम लोग का अभी आने वाले भविष्य में हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग यहाँ से जब अगर हम लोग यहाँ से आते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे जो व्यवस्था नहीं हुई अभी तक कितने दिनों से। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब यहाँ से विकास का क्रम शुरू होगा? देखिए विकास का काम तो शुरू होगा, दृढ़ इच्छा चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को कार्य करने के लिए, उसके अंदर आत्म इच्छा होना चाहिए। आत्म इच्छा होगा तो अपने फंड से और भी जगहों से फंड ले आकर वो काम कर सकता है, विकास कर सकता है। जैसे हमारे प्रमुख जी को ले लीजिए, प्रमुख जी कल गए ब्लॉक में गए तो इन्होंने देखा कि ब्लॉक में घुसखोरी हो रहा है, तो ब्लॉक में घुसखोरी हो रहा था, इन्होंने घुसखोरी को रोकना चाहा तो वीडियो आकर नीचे उलझ गई। एक जनप्रतिनिधि के साथ मतलब उलझ करके उसकी बात न सुनी करके और बिना सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं था जो जिससे बोल रहे थे कि क्यों घुसखोरी मांग रहे हो, शौचालय योजना में क्यों 2000 रुपया मांग रहे हो, ये इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, उसके ऊपर उसके बाद भी वहां से वीडियो बिगड़ गई। देखिए एक जनप्रतिनिधि के साथ जो अपमानित शब्द, अपमानित लैंग्वेज, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जो अपमान भरा शब्द वीडियो ने इस्तेमाल किया है वो निहायत ही निंदनीय है और शर्मनीय है, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ वो इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उसको अपने आचरण में सुधार करना चाहिए और इस पर न्यायिक जांच करनी चाहिए, जो सही स्थिति है उसको लाना चाहिए। तो क्या आप इस मंच से इस बात का मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो? हाँ नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, अगर दोषी हमारे प्रमुख नहीं है तो उनको बाइज्जत प्रमुख पति को इसमें से रिलीफ मिलना चाहिए और इनको इस केस से मुक्त करना चाहिए। जितने लोग वीडियो दोषी है उसमें बाहरी व्यक्ति, बाहरी कर्मचारी को बुलाकर बैठा करके, जो सरकारी अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है, तो सारे कामों में, इंदिरा आवास में, शौचालय में, चाहे नल जल में, सब में घुसखोरी वो मांग रहा था, उसी का इन्होंने विरोध किया जिसका परिणाम झेल रहे हैं कि पर मुकदमा हुआ। तो अब यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि अब न्यायिक जांच की हो? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, डीएम साहब से मांग करते हैं कि डीएम साहब इसकी जांच करें और इनको निर्दोष साबित करें।